वैसे तो डर तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मैंने 3 दिन से सिजेरियन करवा रखी हूँ, पर है ना फिर भी यूँ लगे भाई चौथा होएगा तो पता नहीं आगे क्या होगा। अब थोड़ी उम्र भी हो गई तो फिर यही यही डर था, और बाकी मेरे को डर नहीं था। आपका क्या ऑपरेशन होने जा रहा है? मेरे बच्चे दाने निकल रही है। बच्चे दाने निकल रहे हैं तो अच्छा, तो आपको डर लग रहा है क्या? डर तो नहीं लग रहा, आप सब लोग हो मेरे संग। इधर देखो आप, आप सब लोग हो, अब डरना क्या है। आपका डर तो यही था कि दूरबीन वाला होगा या नहीं होगा? हाँ ये था कि मेरे 3-3 सिजेरियन हो रखे हैं, मेरे बच्चे है ना तीनों सिजेरियन से हुए हैं, तो मेरे को डर तो ये था कि भाई पता नहीं अभी तीसरा होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये था। बाकी सिजेरियन से मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे पहले हो रखे हैं। तो सिजेरियन भी आपका इतना बड़ा हो रखा है, तो ये इतना पूरा एक खड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खड़ा है वो लग रहा है। तो फिर आपको विश्वास कैसे आया कि हो जाएगा? हमारे पर विश्वास कर लिया, विश्वास है आप पे क्यों नहीं? किसी ने बताया फिर हम आए फिर देखा। अब आजकल आप जानते हो नेट पे गूगल पे सब होता है, तो ये पहले तो फिर भी आपने गूगल पे क्या चेक किया? राइटिंग चेक करी हमारी सर ने करी, मतलब मेरे हस्बैंड ने, कि इन्होंने दूरबीन से 10,000 ऑपरेशन करे हुए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है मैं इन्हीं से करवाऊंगी, नहीं मेरे तो नहीं करवा रही थी। सुबह से चाय बिस्किट खा ली, नारियल पानी पी, घूमे उठ के लगा ली 10 चक्कर लगा ली। अब जो डर लग रहा था, अभी भी कह रहे हो डर लग रहा था? नहीं, अब बताओ डर लग रहा ना, डर लगना सही है गलत है? गलत ही है, जो भी काम करे हो डरने से क्या होगा। आपका एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा ऑपरेशन से लेके अब तक? ऑपरेशन से पहले कैसे लग रहा था, ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है, अब ऑपरेशन के बाद की पहली सुबह है? पहले ऐसे मैडम वैसे तो डर तो नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मैंने 3 दिन से जीवन करवा रखी हूँ, पर है ना फिर भी यूँ लगे भाई चौथा होएगा तो पता नहीं आगे क्या होगा। अब थोड़ी उम्र भी हो गई तो फिर यही यही डर था, और बाकी मेरे को डर नहीं था। तो अब आपके एक बहन ये भी था कि 3 ऑपरेशन होने के बाद दूरबीन का ऑपरेशन नहीं हो सकता? हाँ मैं ऐसे ही सोच रही थी, नहीं हो सकता, कर दिया हमने। हाँ बहुत अच्छा काम किया। ये बता रहे थे कि मेरे को कि तेरे वो नींबू के बराबर गांठ आई है, काफी बड़ी बड़ी 3-4 गांठें, वो मेरे को और भी ज्यादा बीमार कर सकती थी। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा मैसेज तो पब्लिक के लिए यही है कि जब 3 ऑपरेशन हो जाए, चाहे 2 ऑपरेशन हो जाए, हाथ वाला हो कैसा भी ऑपरेशन हो, दूरबीन का ऑपरेशन संभव है और बिना किसी डैमेज के, बिना किसी परेशानी के। तो कई बार ये बहम की वजह से लोग क्या करते हैं कि अल्लाह का होता भी ऑपरेशन हाथ वाला ही कराते हैं, उसमें भी फिर उतनी तकलीफ होती है जितनी पहले 3 ऑपरेशन में हुई है, उसमें ज्यादा होगी, बल्कि दूरबीन वाले में तो फिर भी। अब देखो ना, तो रात को ऑपरेशन हुआ, अब आप सुबह घूम रहे हो फिर रहे हो, चाय पानी ले लिया, अब और क्या चाहिए, छुट्टी कर दूंगी, घर जाना आराम से, अपना पूरा पेट भर के खाना है, कोई परहेज नहीं है, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, पेट भर के खा सकते हो। अच्छा ठीक है, और नीचे झुकना वगैरह? झुकना नहीं अलाउड है, झुक सकते हो, बैठ सकते हो, सीढ़ी उतर चढ़ सकते हो, और मिर्च मसाला खा सकते हो, नमक से परहेज करने की जरूरत नहीं है, नींबू खाटा खटाई सब खा सकते हो। ये भी बहुत बड़े भैम है ना अपनी सोसाइटी में, नींबू नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, सब कुछ कर सकते हो। दूरबीन के ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि भाई कोई परहेज नहीं है, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैं सही हो जाऊंगी 1-1.5 में। सही हो आप तो, घर जाके काम करो अपना, हम तो कह रहे हैं कि आप आराम करो। ठीक है, घर जाके चाय बना के पिला देना, और कोई होगा हम जरूर बताएंगे कि वहां जाना।